लिख दिया, आप ऐसे ही डायग्राम बनाए जैसे मैंने बनाया बेटे। कहते हैं जब हम फ्लो चार्ट बनाकर लिखते हैं, इसको तो मैं पैराग्राफ में भी लिख सकता था, मेहनत भी कम लगती, लेकिन मेरा प्यार देखिए, मेरे को लगा कि मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो आपको शायद ज्यादा समझ आए, भले मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा ना। प्यार किया तो डरना क्या, आप क्या समझेंगे बेटे प्यार, आप सेल्फिश है बेटे। प्यार भूपेश आनंद से सीखो कैसे किया जाता है। लिखिए, मैं इस समय स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट का मीनिंग लिखवा रहा हूं, उसको डायग्राम के रूप में लिखवा रहा हूं। स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। इट इज अ अलायंस बिल्डिंग टूल, कंपनी और कस्टमर्स उन 8 लोगों के बीच में अलायंस, मिलकर काम करेंगे, मिलकर हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, ओ साथी रे। तो लिखे बेटे, एंगेजमेंट का मतलब है इट इज अलायंस बिल्डिंग टूल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स इनटू डिसीजन मेकिंग। बेटे जो हम डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन में कि हम ये फैक्ट्री बंद करें या ना करें, हम नया प्लांट शुरू करें या ना करें, हम इन एम्प्लॉयज को छोड़े या ना छोड़े, इन एम्प्लॉयज को हम स्ट्राइक होने दें या ना होने दें, बेटे सभी में स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेट कराना, इन्वॉल्व करना, मैं कहूंगा इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट इज नेम्ड एज स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। और इट इज अ एफर्ट टू अंडरस्टैंड, दूसरों के बारे में समझना, और जब तक मैं उनसे मिलूंगा नहीं, शेयर नहीं करूंगा, अपनी बातें रखूंगा नहीं, उनकी बातें नहीं सुनूंगा, तो बेटे मैं कैसे एक दूसरे के बारे में जान सकता हूँ। एक लड़के की और एक लड़की की एंगेजमेंट होती है बेटे, रिंग सेरेमनी एंगेजमेंट, और बेटे एंगेजमेंट होने के बाद वो एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं, बरिस्ता में, कैफे कॉफे डे में, पार्क में आपस में बातें करते हैं। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझ पाते हैं, और कई बार तो इतना समझ पाते हैं कि उनको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ हमारी मैरिज नहीं टिकेगी, और बेटे मैरिज से पहले ही वो उस रिंग सेरेमनी को तोड़ देते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, एंगेजमेंट से। तो लिखे बेटे, जल्दी से लिखिए, इट इज अ अलायंस बिल्डिंग टूल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स इन टू डिसीजन मेकिंग, इट इज अ एफर्ट टू अंडरस्टैंड स्टेक होल्डर एंड टू प्रमोट पर्पसफुल डायलॉग, एंड टू प्रमोट पर्पसफुल डायलॉग। बेटे डायलॉग का मतलब है आपस में डिस्कशन करना, जैसे रतन टाटा अगर सिंगूर के किसानों को एंगेज कर लेते, ममता बनर्जी को एंगेज कर लेते, वहां के लोगों से बात कर लेते, तो शायद सिंगूर का प्लांट बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं कह रहा हूं स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट इज अ अलायंस बिल्डिंग टूल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग, इट इज अ एफर्ट टू अंडरस्टैंड स्टेक होल्डर्स एंड टू प्रमोट पर्पसफुल डायलॉग। बेटे अब मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, व्हाई स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट इज नेसेसरी। बेटे जैसे मैंने अभी बताया, अगर स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे मेरी डिसीजन मेकिंग में, जहां जहां वो इंटरेस्टेड है, तो बेटे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मटेरियलिटी, ये सभी चीजें और ज्यादा बढ़िया होंगी। आप खुद सोचिए, अगर मैं क्रेडिटर्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, सोसाइटी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, सप्लायर्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, और डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट करा रहा हूँ, तो बताइए हेल्दी डिस्कशन होगा या नहीं, हेल्दी डायलॉग होगी या नहीं, हेल्दी चर्चा होगी या नहीं। और जब हेल्दी चर्चा होगी तो हेल्दी रिजल्ट्स आएंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़िया होगी। तो बेटे फर्स्ट बेनिफिट लिखिए, इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, importance of
स्टेकहोल्डर्स एंगेजमेंट टू इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्लायंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट. क्योंकि जब बाहर वाले भी इन्वॉल्व होंगे तो आप अपने मैनेजमेंट में ज्यादा ध्यान दोगे. आप खुद बताइए, जब आपके घर में बाहर वाले गेस्ट आते हैं तो आप उस समय अपने एटिकेट्स में रहते हैं, कपड़े ढंग के पहनते हैं, तमीज में बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं आप फिर बदतमीज बन जाते हैं. तो बेटे इसी तरह से स्टेक होल्डर्स के आने से अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्लायंसेस कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट बढ़ेगा. तो पहला बेनिफिट अगर लिख लिया तो बेटे दूसरा बेनिफिट है, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई रेट इंक्रीज करते हैं, कोई फैक्ट्री बंद करते हैं, कोई नया प्लांट स्टार्ट करना है, तो बेटे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं. इफ यू आर हैप्पी इट डज नॉट मीन एवरीवन इज हैप्पी. एक बच्चा कहता है दोबारा बोलियो मास्टर. मैंने कहा इफ यू आर हैप्पी इट डज नॉट मीन एवरीवन इज हैप्पी. अगर आप नया प्लान बना रहे हैं, आप खुश हैं, जैसे रतन टाटा खुश थे सिंगूर के लिए, या आप कोई फैक्ट्री क्लोज कर रहे हैं क्योंकि वो लॉसेस में चल रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हैं क्योंकि फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो आपके आसपास स्टेक होल्डर्स भी खुश होंगे. तो उनसे बातचीत करके ही, क्योंकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनसे बातचीत करके ही आपको वो प्लांट या वो फैक्ट्री क्लोज करनी चाहिए. अदरवाइज बेटे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मीडिया तक बात जाएगी, और आज की डेट में मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप सब जानते हैं. तो सेकंड इंपॉर्टेंस लिखिए, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बाय मेडिएशन डायलॉग्स कॉन्सिलेशंस एटसेट्रा. और बेटे कई बार जब हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो नए आइडियाज आते हैं, नई थॉट्स आती है, नई एनर्जी आती है. आप मुझे एक चीज बताइए, सपोज करते हैं कि आपको एक गांव में एक सीएसआर पॉलिसी के थ्रू हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट चलाना है. सुनना जरा ध्यान से, एक गांव में सीएसआर पॉलिसी के थ्रू, आपकी पॉलिसी के थ्रू हैंडीक्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट चलाना है ओनली फॉर वुमेन्स ऑफ दैट विलेज. एक तो ये है, आप डायरेक्टली जाइए पैसा इन्वेस्ट कीजिए और वहां पर हैंडीक्राफ्ट प्लांट लगा दीजिए. दूसरा ये भी तरीका है कि वहां की ग्राम पंचायत के पास जाएं, वहां के मुखिया के पास जाएं, वहां की वुमेन से बातचीत करें, वहां की नीड्स देखें, क्या पता आपको कोई नया रास्ता नया ढंग नई चीज नया कंसेप्ट वो बता दे. आप बताइए आप जो पैसा लगा रहे थे उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा. तो थर्ड इंपॉर्टेंस है टू इनोवेट बेटर आइडियाज. बेटे आइडिया, इट इज एन आइडिया दैट कैन चेंज. टू इनोवेट बेटर आइडियाज एंड टू हैव अ शेयर्ड विजन और गोल. एग्जांपल लिखे बेटे, मैंने बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल दिया है. एक तो एग्जांपल वन, ये टू है बेटे. एग्जांपल वन में मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया है, प्लीज आप जरूर लिखें. क्या लिखा है मैंने, सीएसआर पॉलिसी हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट. पर ऐसे लिख दे बेटे, हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट इन अ विलेज, इट इज बेटर टू इन्वॉल्व पंचायत, इट इज बेटर टू इन्वॉल्व वुमेन्स, बेटर हैव अ डिस्कशन देन स्टार्ट अ हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट. क्योंकि आपको वहां की इनसाइट्स ज्यादा पता चलेंगी उनको इन्वॉल्व करने के बाद. अच्छा, जैसे अपोलो टायर है, अपोलो टायर के मान लेते 20-25 फैक्ट्री है, उसमें से एक फैक्ट्री लॉस मेकिंग है, वो बंद करना चाहती है, तो झटपट अपोलो को बंद नहीं करनी चाहिए. उसको आराम से सोचना चाहिए कि अगर मैं ये फैक्ट्री बंद करती हूँ तो यहाँ की सराउंडिंग्स, यहाँ के एम्प्लॉइज, यहाँ की सोसाइटी को क्या फर्क पड़ेगा, उनसे डिस्कस करना चाहिए. क्योंकि कई बार उनके फायदे के लिए भी आपको वो लॉस मेकिंग यूनिट कंटिन्यू करना चाहिए. जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने डिसीजन की थी टू शट डाउन और टू क्लोज. शट डाउन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, क्लोज का मतलब होता है हमेशा के लिए. तो बेटे कुछ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी होते हैं, खाली पैसा ही इंपॉर्टेंट थोड़ी है यार.
आप ये बताइए, एक फैक्ट्री अगर आप बंद करते हैं, भले आपको लॉस तो हो रहा है, लेकिन वहां पे जो बेचारे इम्प्लॉयज थे उनके घर बार चल रहे थे, उनकी सोसाइटी में सराउंडिंग्स ठीक थी, वहां पे खुशहाली थी, आपकी इस फैक्ट्री बंद करने से इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो आपको पब्लिक की आईज में बढ़िया रहने के लिए इस फैक्ट्री को चलाना पड़ेगा, तभी लाइफ में आपको सक्सेस है। यही बात मैं एग्जांपल 2 के थ्रू बताने वाला हूं। आप प्लीज लिख लें इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाई स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट का एग्जांपल 2। सपोज अपोलो टायर्स वांट टू क्लोज वन फैक्ट्री आउट ऑफ इट्स 10 फैक्ट्रीज, 10 में से एक बंद करना चाहती है अपोलो टायर्स, तो अपोलो टायर को बंद करने से पहले कंसिडर करना चाहिए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉयज, ऑन इट्स लेबरर्स, ऑन इट्स सराउंडिंग्स, ऑन इट्स एम्प्लॉयज, ऑन इट्स लेबरर्स, ऑन इट्स सराउंडिंग्स, बिकॉज समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू। लॉस मेकिंग फैक्ट्री, इवन इफ यू आर सफरिंग लॉसेस, आप लॉसेस सफर कर रहे हैं फिर भी आपको वो प्लांट वो प्रोजेक्ट चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पब्लिक का भी सोचना और पब्लिक इमेज बनाने के लिए करना पड़ेगा। लिखेंगे तो पहली दो बातों में मैंने बताया व्हाट इज स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट और दूसरा बताया व्हाई Stakeholders engagement is important. अभी बुक से देख लेते कि मैंने बुक में क्या क्या लिखा है इसके बारे में। तो बेटे बुक में मैंने बड़ा प्यारा से स्टेकहोल्डर के बारे में लिखा है। स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट इज अलायंस बिल्डिंग टूल, इंप्रूव्ड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट ऑफ शेयर्ड विजन, to innovate through collaborations. तो बेटे सब कुछ engagement से होगा। अब मैं बताऊंगा कि engagement के समय ऐसे कौन से steps हैं जिससे आप उनको engage कर सकते हो। बेटे 5 steps लिखवाऊंगा, 5 steps बताऊंगा, उसमें shareholders, stakeholders analysis भी आ जाएगा। तो आइए third point से शुरू करेंगे। पहले steps involved in stake होल्डर्स एंगेजमेंट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस, एंगेजमेंट प्रोसेस। 5 कुंती माता के पुत्र थे बेटे, 5 स्टेप्स थे। पहले लिख लो, मैं एक केस स्टडी से ऐसा समझाऊंगा कि आपको 5 स्टेप को रटना नहीं पड़ेगा। ये ऐलान है भूपेश आनंद का। पहले आप लिख लो स्टेप 1, कमर सीधी, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। स्टेप 2, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स विजन फॉर एंगेजमेंट, establish or identify need interest of stakeholders, determine stakeholders engagement strategy, evaluation of outcome। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं यार। 5 steps आप ध्यान से देख ले। Identify stakeholders, establish objective / vision for engagement, identify need / interest of stakeholders। अभी देखते क्या मतलब है, टेंशन नहीं लेने का भूपेश आनंद के ऊपर, टेंशन नहीं लेने का। Determine stakeholders engagement strategy, evaluation of outcome। अब मैं एक केस स्टडी के थ्रू आपको ये 5 स्टेप्स बता दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगी। मैं आपके सामने केस स्टडी रखता हूं। एक कंपनी है, उसकी CSR पॉलिसी है कि उसको 2% एक पर्टिकुलर विलेज में इन्वेस्ट करने हैं, किसी प्रोजेक्ट में लगाने हैं, और उस प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्टिव है कि वहां के गांव की जितने वुमेन्स हैं उन सबको सेल्फ सफिशिएंट क्रिएट करना, उन सबको इंडिपेंडेंट बनाना, कि वो अपने खाली समय में कुछ पॉटरी का, कुछ हैंडीक्राफ्ट का, कुछ होजरी का काम करें, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए और अपनी रोजी रोटी खुद कमा पाए।
तो मेरा इसमें गोल क्या होगा कि वहां की वुमेन्स को इंडिपेंडेंट करना, सेल्फ सफिशिएंट करना। तो मेरा दिस कैन बी स्टेक होल्डर्स आइडेंटिटी का स्टेक होल्डर्स, मतलब मैंने वहां की वुमेन्स को चुना, उस गांव की वुमेन्स को, फिर मैंने वहां के ऑब्जेक्टिव्स, उन वुमेन्स को मैंने सेल्फ सफिशिएंट बनाने का गोल रखा। उसके बाद आइडेंटिफाई इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, वहां के वुमेन्स का इंटरेस्ट जानने की कोशिश की कि क्या वो समय दे पाएंगी, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या वो इलिटरेट तो नहीं है, क्योंकि अगर वो अनपढ़ है तो उसी हिसाब से मैं प्रोजेक्ट लगाऊंगा। अब मैंने प्रोजेक्ट लगा दिया, मेरे पास स्ट्रेटेजी है, या तो मैं 2% डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूं, दान में दे दूं और कोई दूसरा व्यक्ति करे, या मैं खुद हैंडीक्राफ्ट के, मैं खुद पॉटरी के, मैं खुद होजरी के छोटे छोटे प्लांट लगाऊं जहां पर ये वुमेन्स आ सकती हों और काम करें अपने टाइम के हिसाब से। तो दो स्ट्रेटेजीज हो गई, डायरेक्टली डोनेट करना या उस प्लांट्स को बनाना। तो ये आ गया स्टेप नंबर 4। अब मैंने प्लांट कर दिया, बना दिया, वुमेन को आइडेंटिफाई कर दिया, गोल बना दिया, बेटी ये भी तो चेक करना है कि ये सब काम बढ़िया चल रहा है या नहीं, इससे क्या आउटपुट बढ़ रही है या नहीं, क्या वहाँ के गांव की अपलिफ्टमेंट हुई या नहीं, क्या वहाँ पर कैपिटल इनकम बढ़ी या नहीं, क्या वहाँ की खुशहाली बढ़ी या नहीं, इसको बोलते इवेल्युएटिंग द प्रोसेस। तो बेटे 5 steps हैं और मैंने इस केस स्टडी को बेटे बड़ी मेहनत से आपके लिए लिख भी दिया। और बोलो यार लिख लो मेरे बच्चे, लिख लो। सपोज कंपनी एबीसी हैज अ सीएसआर प्रोजेक्ट, लिख लो बेटा, लिख लो, बड़ी मेहनत से बनाई है, 2% इन अवेलेबल, क्योंकि ये केस स्टडी लिख लोगे ना तो आपको 5 steps याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन से 5 बेटे, कैसी बातें करते हो, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई नीड, डिटरमाइन स्टेक होल्डर्स, इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम। ये बेटे 5 बातें हैं जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर आपने ध्यान से ये केस स्टडी लिख ली। बेटे बड़ी मेहनत से बनाई है, लिखो बेटे, जल्दी लिख लो मेरे बच्चे। पर्टिकुलर क्लास ऑफ वुमेन्स को चुनना, इसका मतलब आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स, ठीक है जी। उसके बाद अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, नाउ Here need or objective is that women should be educated or self-sufficient, ये objective हो गया, so that able to earn money and livelihood, this can be my goal, hence this is the vision for ABC company। मैंने practical case studies के through बताने की कोशिश की है कि how we can involve or engage stakeholders और what are the steps involved in stakeholders engagement। रटने को तो रट ही सकते यार, केस स्टडी से आपको सारी बातें क्लियर होंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकली बातें समझ आएंगी, कल प्रैक्टिकली लाइफ में सीएस बनोगे तो भूपेश आनंद को याद करोगे यार। और क्या, हैंडीक्राफ्ट, होजरी, पॉटरी, मान लेते हैं 3 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट, होजरी, पॉटरी। सो दिस कैन बी स्ट्रेटजीज आफ्टर सम टाइम इवेल्युएटिंग द प्रोसेस, और इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद इसका इवेल्युएशन करना। तो बेटे दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। ये बेटे मैंने बुक में लिखा हुआ है, आपको देखिए ये रहे बेटे स्टेप्स, इसी में एनालिसिस भी आ जाएगा बेटे। ये देखिए आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, इट इज लिंक्ड विद इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल। तो ये आपको मैंने 2 चीजें करवा दी, एक तो बेटे शेयर होल्डर्स एनालिसिस और एक बेटे स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट का प्रोसेस। उम्मीद है आपको लॉजिकली बातें समझ आई होंगी, जो मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ वो समझ आया होगा आपको, आपको सिंगूर का प्रोजेक्ट समझ आया होगा, आपका माइंड अब खुल गया होगा और आप अब अपने आसपास की कंपनीज को, न्यूज को देखोगे और उसको स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट के साथ रिलेट करोगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिकली रिलेट करोगे उतना समझ ज़्यादा आएगा बेटे। इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेक्चर 2 मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ बेटे, फिर मिलेंगे।